Hello, good morning students. So today we are going to start the chapter that is light. Light आपने देखा होगा because of the light we see the many objects around us. ठीक है, सिर्फ light ही है जो हमें सारी चीज़ें हम देख सकते हैं. अगर हम अपनी आई से अगर कोई चीज़ें देख रहे हैं तो because of the light. You know that अगर अभी आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ब्लैक बोर्ड आपके सामने है और आपको इस पर लिखा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, सो बिकॉज ऑफ इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द लाइट. सो माई डियर, अगर आप देखोगे कि रात अगर दिन के टाइम अगर आपको लाइट की ज़रूरत पड़ती है तो डे टाइम वी हैव नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट दैट इज सन. एंड इन द नाइट टाइम यू नो दैट द सोर्स ऑफ लाइट दैट इज वी आर यूजिंग दैट इज बल्ब, CFL, ट्यूब लाइट, सो डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स वी आर यूजिंग देयर. ओके, सो टुडे वी स्टार्ट द चैप्टर दैट इज लाइट. So my dear, the definition of light, we see the definition of light, that is light means it is the sensation of seeing the object. एक sensation है जिसमें क्या है, हम objects को क्या है देख सकते हैं, जितने भी हमारे आसपास की चीज़ें हों हम वो चीज़ें जो है वो देख सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइक ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो क्या होता है कि जब एक जैसे आप एक बॉल सपोज कि मेरे पास ये बॉल है, ठीक है ना, अगर इस बॉल को मैंने यहाँ पे फेंका तो ये बॉल यहाँ पे टकरा के दोबारा रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा. सो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन एंड द बाउंसिंग ऑफ लाइट. ऐसे ही क्या होता है कि जो लाइट है, लाइट पहले किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करती है, फिर वो ऑब्जेक्ट जो आपको दिखाई देता है. सपोज कि अगर ये मार्कर अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, ये मार्कर यहाँ पे रख दूँ तो क्या होगा कि जो लाइट आ रही है ये लाइट पहले यहाँ पे स्ट्राइक करेगी. इस पे स्ट्राइक होने के बाद क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये विजिबल हो जाएगा. सो बिकॉज ऑफ द विजिबल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन. अगर हम सोर्स की बात करें तो सोर्स ऑफ लाइट में क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड मैन मेड सोर्स. नेचुरल सोर्स की बात करें तो सन एंड द स्टार्स आर द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, जिनकी अपनी ही लाइट होती है. सन इसकी अपनी लाइट होती है, स्टार इसकी अपनी लाइट होती है. अगर हम मून की बात करें कि मून की अपनी लाइट होती है तो नो माय डियर, मून की अपनी लाइट नहीं होती, ये रिफ्लेक्शन है सन की जो मून के ऊपर पड़ती है और बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन जो मून है वो ब्राइट हमें दिखाई देता है एट द नाइट टाइम. ओके, मैनमेड सोर्स. सो मैनमेड सोर्स क्या है? ट्यूबलाइट, टॉर्च, बल्ब एक्सेट्रा. ट्यूबलाइट यू नो दैट कि बिकॉज ऑफ द ट्यूबलाइट, बल्ब, टॉर्च, एट द नाइट टाइम वी सी द ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट हैविंग इट्स ऑन लाइट, जिस ऑब्जेक्ट की अपनी लाइट होती है, दिस इज दैट इज कॉल्ड द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. गॉट इट? एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डू नॉट हैव इट्स ऑन लाइट, जिस ऑब्जेक्ट की अपनी लाइट नहीं होती उस ऑब्जेक्ट को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोला जाता है. गॉट इट? एंड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की अगर एग्जांपल की बात करें तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की एग्जांपल है सन एंड बल्ब. गॉट इट? एंड नॉन ल्यूमिनस की बात करें सो द एग्जांपल आर स्टार्स, चेयर्स एंड टेबल. यू नो दैट कि मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट कि स्टार्स, चेयर्स और टेबल, स्टार्स की अपनी लाइट नहीं है, सो दैट स्टार कंसिडर्ड इन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ओके, अंडरस्टूड? सो लाइट, रिफ्लेक्शन, सोर्स ऑफ लाइट एंड नेचुरल सोर्स एंड मैन मेड सोर्स, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. गॉट इट? सो थैंक यू वेरी मच. दिस इज योर टूडेज टॉपिक. रीड इट एंड राइट इन योर कॉपी. मेक द कॉपीज ऑल्सो दैट कॉपी दैट नोट्स बेटर एंड हेल्प फॉर योर एग्जाम. ओके, थैंक यू वेरी मच.